क्या हो? अगर आप जो कुछ भी इस दुनिया में अपनी जगह के बारे में सोचते हैं वो सिर्फ एक भ्रम हो? महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इंसान इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। वो खुद को बाकी सबसे अलग महसूस करता है। ये उसकी चेतना का एक भ्रम है। आइंस्टाइन के अनुसार ये भ्रम एक जेल की तरह है जो हमारी सहानुभूति को सीमित कर देता है। चेतना का यह भ्रम सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह मौजूद है। ये भ्रम हमें यकीन दिलाता है कि हम अलग अलग हैं, दुनिया और अपने आसपास के लोगों से जुड़े नहीं हैं। इस सोच की वजह से हम अकेलापन, प्रतिस्पर्धा और यहां तक कि दुश्मनी भी महसूस कर सकते हैं। जरा सोचिए कि हम अक्सर दूसरों से ज्यादा अपनी जरूरतों को कैसे अहमियत देते हैं। ट्रैफिक में हम किसी दूसरे ड्राइवर पर गुस्सा हो सकते हैं क्योंकि उसने हमें ओवरटेक किया। उसे एक साथी इंसान की बजाय एक दुश्मन समझते हैं। काम पर हम अपने साथियों को सहयोगी के बजाय प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं, इस सोच से प्रेरित होकर कि सफलता एक सीमित संसाधन है। ये भ्रम बड़े सामाजिक ढांचों तक भी फैला हुआ है। राष्ट्रवाद, जातिवाद और भेदभाव के दूसरे रूप इस झूठे विश्वास से पैदा होते हैं कि हम अलग अलग हैं। ये विभाजन दीवारें खड़ी करते हैं जो हमें हमारी साझा मानवता और हर व्यक्ति के महत्व को पहचानने से रोकती है। इस भ्रम को स्वीकार करके हम ज्यादा करुणामय और जुड़े हुए जीवन का रास्ता खोलते हैं। चुनौती इन गहरी जड़ जमाए विचारों से मुक्त होने और अपनी करुणा के दायरे का विस्तार करने में है। हम अलगाव के इस भ्रम से कैसे मुक्त हो सकते हैं? इसका जवाब है अपनी करुणा को बढ़ाना। जब हम अपनी करुणा को अपने करीबी लोगों से आगे बढ़ाते हैं तो हम उन दीवारों को तोड़ना शुरू कर देते हैं जो हमें अलग करती हैं। एकता की भावना को बढ़ावा देकर हम एक ज्यादा समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। करुणा की ताकत को समझने के लिए आइए एक सफल बिजनेसमैन जॉन की कहानी देखते हैं। जॉन महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे, अक्सर अपने रिश्तों और खुशियों की कीमत पर। उनका जीवन अलगाव के भ्रम का जीता जागता उदाहरण था क्योंकि वो सफलता को अकेले हासिल करने वाली चीज मानते थे। जॉन का नजरिया तब बदलने लगा जब उन्होंने बेघरों के लिए काम करने वाली एक संस्था में स्वयं सेवा शुरू की। शुरुआत में उन्होंने इसे अपनी छवि सुधारने के तरीके के रूप में देखा। हालांकि जैसे जैसे उन्होंने आश्रय में रहने वाले लोगों के साथ समय बिताया, उन्होंने उन्हें अपनी ही तरह कहानियों और संघर्षों वाले व्यक्तियों के रूप में देखना शुरू कर दिया। इस अनुभव के जरिए जॉन ने सहानुभूति और करुणा की गहरी भावना विकसित की। उन्होंने एहसास किया कि उनकी सफलता दूसरों की खुशहाली से जुड़ी हुई है। इस बदलाव के कारण उन्होंने अपने कार्यस्थल पर ज्यादा करुणामय तरीके अपनाए जिससे सहयोग और समर्थन का माहौल बना। जॉन का सफर कहूत से ज्यादा दूसरों की फिक्र करने का सफर, ये दिखाता है कि हमारी सहानुभूति का दायरा बढ़ाने का कितना गहरा असर हो सकता है। ये दर्शाता है कि एक दूसरे से जुड़कर हम अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भाग 5, जुड़ाव और कुछ कदम। जॉन की कहानी अलगाव के भ्रम के बारे में आइंस्टाइन के संदेश से मेल खाती है। इससे पता चलता है कि इस भ्रम से मुक्त होना न सिर्फ संभव है बल्कि बहुत फायदेमंद भी है। ज्यादा करुणामय बनने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ कदम बताए गए हैं। पहला, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। हर दिन कुछ समय वर्तमान में रहने और अपने विचारों और भावनाओं के बारे में जानने के लिए निकालें। इससे दूसरों में भी वही इंसानियत देखने में मदद मिलती है जो आप में है। दूसरा, दयालुता का काम करें। छोटे छोटे काम जैसे पड़ोसी की मदद करना या स्वयंसेवा करना आपकी सहानुभूति और जुड़ाव की भावना को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, अलग अलग संस्कृतियों और विचारों के बारे में जानें। दूसरों के अलग अलग अनुभवों को समझने से अलगाव की दीवारें टूट सकती हैं। चौथा, अपने कार्यों और दूसरों पर उनके प्रभाव के बारे में सोचें। इस बात पर गौर करें कि आपके फैसले व्यापक समुदाय और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। इन आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करके आप धीरे धीरे अपनी करुणा का दायरा बढ़ा सकते हैं और ज्यादा समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। भाग 6, दोहराव। संक्षेप में, अलगाव का भ्रम एक गहराई से जड़ जमाए बैठा हुआ विश्वास है जो हमें खुद तक सीमित करके रखता है। ये भ्रम हमारे रोज के जीवन के कई पहलुओं में दिखाई देता है, व्यक्तिगत संबंधों से लेकर सामाजिक ढांचों तक। हालांकि अपनी करुणा का दायरा बढ़ाकर हम इस सीमित सोच से मुक्त हो सकते हैं।
करुणा हमें एक दूसरे से जुड़ाव और हर इंसान के महत्व को पहचानने में मदद करती है। जॉन की कहानी बताती है कि खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करने से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कैसे बड़ा बदलाव आ सकता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके, दयालुता के काम करके, खुद को शिक्षित करके और अपने कार्यों पर विचार करके हम ज्यादा करुणामय बन सकते हैं। ये बदलाव न सिर्फ हमारे अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि दूसरों और पूरी दुनिया की खुशहाली में भी योगदान देता है। भाग 7, कुछ करते हैं। अब समय आ गया है कि हम कुछ करें। इस लेख में बताई गई बातों पर अमल करें और अपने नजरिए और रिश्तों में बदलाव देखें। छोटी शुरुआत करें दयालुता और माइंडफुलनेस के आसान कामों से और धीरे धीरे अपनी कोशिशों को बढ़ाएं। दूसरों को भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें, जो आपको सार्वभौमिक करुणा की ओर ले जाएगी। अपने अनुभव और सीख साझा करें और ऐसे समान विचारधारा वाले लोगों का समुदाय बनाएं जो सहानुभूति और जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हों। साथ मिलकर हम अलगाव के भ्रम से मुक्त हो सकते हैं और एक ज्यादा करुणामय और समावेशी दुनिया बना सकते हैं। याद रखें, हर छोटी कोशिश मायने रखती है और साथ मिलकर हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। भाग 8, करुणा के पीछे का विज्ञान। करुणा के फायदे सिर्फ दार्शनिक नहीं है, विज्ञान भी उनका समर्थन करता है। शोध से पता चलता है कि करुणा का अभ्यास करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। दयालु लोग अक्सर तनाव और चिंता कम महसूस करते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और वे लंबे समय तक जीते हैं। दिमाग के अध्ययन से पता चलता है कि करुणा दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करती है जहां खुशी का एहसास होता है और ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। ये केमिकल खुशी और खुशहाली की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, जिससे दयालु व्यवहार के सकारात्मक प्रभाव और भी मजबूत होते हैं। इसके अलावा करुणा सामाजिक संबंधों को बेहतर बना सकती है। सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देकर हम दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाते हैं, जिससे ज्यादा सहयोगी और संतोषजनक बातचीत होती है। करुणा के वैज्ञानिक फायदों को समझने से हमें इन आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने की और भी प्रेरणा मिलती है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि करुणा सिर्फ एक नैतिक विकल्प नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक विकल्प है जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। भाग 9, इतिहास में सार्वभौमिक करुणा। इतिहास में कई संस्कृतियों और दर्शन ने करुणा और जुड़ाव के महत्व पर जोर दिया है। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं जैसे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सिखाती हैं कि सभी जीवन आपस में जुड़े हुए हैं और व्यक्तिगत और सामूहिक ज्ञान के लिए करुणा आवश्यक है। पाश्चात्य परंपरा में सुकरात और प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने करुणा और सहानुभूति के नैतिक महत्व पर प्रकाश डाला। उनका तर्क था कि न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए दूसरों को समझना और उनकी देखभाल करना जरूरी है। महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसी ऐतिहासिक हस्तियों ने करुणा की शक्ति का उदाहरण पेश किया। अहिंसा और सार्वभौमिक प्रेम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने गहरा सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित किया और आज भी न्याय और समानता के लिए आंदोलनों को प्रभावित करता है। इन ऐतिहासिक दृष्टिकोणों पर विचार करके हम सार्वभौमिक करुणा की अपनी यात्रा के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जुड़ाव और सहानुभूति की तलाश एक शाश्वत और सार्वभौमिक खोज है। भाग 10, असली दुनिया में उपयोग और सफलता की कहानियां। करुणा और जुड़ाव के सिद्धांत केवल दार्शनिक चर्चाओं तक ही सीमित नहीं है, उनके असली दुनिया में उपयोग हैं जो समाजों को बदल सकते हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण आपराधिक न्याय प्रणालियों में सुधारात्मक न्याय प्रथाओं का कार्यान्वयन है। सुधारात्मक न्याय सजा के बजाय उपचार और पुनर्वास पर केंद्रित है। इसमें अपराधियों, पीड़ितों और समुदाय के बीच बातचीत शामिल है, ताकि हुए नुकसान का समाधान किया जा सके और सुलह के रास्ते खोजे जा सके। इस दृष्टिकोण ने अपराध की पुनरावृत्ति को कम करने और सहानुभूति और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय सफलता दिखाई है। एक और उदाहरण सामाजिक उद्यमों का उदय है, जो लाभ के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को प्राथमिकता देते हैं। पैटागोनिया और ट्यूओमेस शूज जैसी कंपनियां प्रदर्शित करती हैं कि व्यवसाय नैतिक आचरण को बढ़ावा देते हुए और व्यापक भलाई में योगदान करते हुए आगे भी बढ़ जा सकते हैं। सफलता की ये कहानियां विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करुणा और जुड़ाव की क्षमता को उजागर करती है।
वे शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि करुणामय मानसिकता अपनाने से सामाजिक चुनौतियों के लिए अभिनव और प्रभावशाली समाधान मिल सकते हैं। भाग 11, करुणा को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका। कम उम्र से ही करुणा और जुड़ाव को बढ़ावा देने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कूल और शैक्षणिक संस्थान सामाजिक भावनात्मक शिक्षा या ASEL कार्यक्रमों को शामिल कर सकते हैं, जो सहानुभूति, माइंडफुलनेस और नैतिक निर्णय लेने की शिक्षा देते हैं। ASEL कार्यक्रमों ने छात्रों के भावनात्मक नियमन, सामाजिक कौशल और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार दिखाया है। इन गुणों को विकसित करके हम भविष्य की पीढ़ियों को करुणा और लचीलापन के साथ एक जटिल दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा शिक्षा वैश्विक जागरूकता और अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा दे सकती है। विविध दृष्टिकोणों और अनुभवों के संपर्क में आने से पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सकता है और वैश्विक नागरिकता की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। शिक्षा में करुणा को प्राथमिकता देकर हम एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण और परस्पर जुड़े समाज की नींव तैयार कर सकते हैं। ये व्यक्तियों को उन उपकरणों से लैस करता है जिनकी उन्हें अपने समुदायों और पूरी दुनिया में सकारात्मक योगदान देने के लिए जरूरत होती है। भाग 12, अंतिम विचार और भविष्य। जैसे ही हम अलगाव के भ्रम से मुक्त होने की इस खोज को समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट है कि अपनी करुणा के दायरे का विस्तार करना एक व्यक्तिगत और सामूहिक अनिवार्यता दोनों है। सार्वभौमिक करुणा की राह हमेशा आसान नहीं होती है, लेकिन यह बहुत फायदेमंद होती है। एक दूसरे से जुड़ाव को पहचानकर और करुणा को अपनाकर हम अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। यह बदलाव न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि की ओर ले जाता है, बल्कि एक अधिक न्यायपूर्ण, समान और सामंजस्यपूर्ण समाज को भी बढ़ावा देता है। भविष्य की संभावनाएं आशाजनक हैं। जैसे जैसे अधिक व्यक्ति और समुदाय करुणामय प्रथाओं को अपनाते हैं, हम एक उज्ज्वल और अधिक समावेशी दुनिया का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए हम इस यात्रा के लिए प्रतिबद्ध हों, जो आइंस्टाइन जैसे विचारकों और पूरे इतिहास में करुणा के अनगिनत उदाहरणों से प्रेरित हो। साथ मिलकर हम अलगाव के भ्रम को पार कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेम और जुड़ाव की विरासत बना सकते हैं।